एनसीबी की एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। ये चार्जशीट एनसीबी की ओर से दाखिल की गई है। 6 पन्नों की ये चार्जशीट बताई गई है, जिसमें मुंबई ड्रग्स मामला, जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया था। आर्यन खान के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। ये 6 पन्ने की चार्जशीट है। इस पूरे मामले में अब आर्यन खान के लिए ये बड़ी राहत। लंबे वक्त तक चला ये मामला, जिसमें कई बार आर्यन खान की पेशी हुई, लेकिन अब इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं दर्ज है। 6 पन्ने की यह चार्जशीट है, जिसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए तंसीम, जब ये मामला आया प्रमुख तौर पर आर्यन खान का नाम सामने आया था, लेकिन अब चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। जी जाहिर है, ये बहुत बड़ा एक तरह से कहें तो नाकामयाबी है उस इन्वेस्टिगेशन की, जिस इन्वेस्टिगेशन को इतना शुरुआती दौर में हाइप दिया गया और उसको बताया गया कि इतना कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसमें आर्यन खान शामिल थे। क्रूज पे बहुत बड़ी ड्रग्स पार्टी होने वाली थी, जिसमें से हमने ड्रग्स रिकवर किए, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें से 6 मेन लोग हैं आर्यन खान समेत, उन लोगों का चार्जशीट में जिक्र नहीं है। और अपने एनसीबी ये बोल रही है कि उसने किसी भी तरह से इन लोगों के खिलाफ एविडेंसेस नहीं मिले। लैक ऑफ एविडेंसेस कहा गया है अपनी अपने प्रेस नोट में, बल्कि बोला है एनसीबी ने कि ये लैक ऑफ एविडेंस था, लिहाजा इनके नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले, इसमें जो लोग जुड़े हुए थे, समीर वानखेड़े जुड़े हुए थे, उनके लिए भी एक बड़ा ये सेटबैक है कि आखिर इतनी बड़ी केस को अचानक से एनसीबी ने जब अपनी चार्जशीट फाइल की तो उसमें जिसे मेन एक्यूज कहा जा रहा था एक बड़ा, उसको ही चार्जशीट से निकाल दिया गया और ये बोला गया कि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले। तो जाहिर है कि अब ये पूरा का पूरा केस, अब इसकी तस्वीर, दिशा दशा सब बदल गई है। अब इस केस में अब ये शुरू से जब इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने शुरू किया था, तब से जांच जब आगे बढ़ी, तब से पता चलने लगा था कि कहीं ना कहीं जब वानखेड़े के खिलाफ भी सवाल उठने लगे, तब ये लगा था कि कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं इस इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती दौर में, और वो कमियां अब चार्जशीट में के शक्ल में सामने आई हैं, जिसमें कि उसके पास से कोई बरामदगी ना होना, उसके सिर्फ चैट के आधार पे एक शक की बिना पे एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट करना। तो जाहिर है कि वो सारे के सारे जो एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वहां पे एनसीबी फेल साबित हुई है। और ये बड़ा सेटबैक है, बड़ी एक नाकामी कहा जाएगा बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, कि जिसने इतना बड़ा केस शुरुआत से लेकर कई महीनों तक इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इस चार्जशीट में आर्यन खान और उसके 7-5 और लोगों का नाम नहीं शामिल है, ये कहते हुए कि हमारा ये एक लैक ऑफ एविडेंस था, एविडेंस की कमी के चलते हम इन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं कर रहे हैं।